स्टार्ट करते हैं स्पीडली। हम लोगों ने आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर हमने 1 सेकंड डीपी पे डिस्कशन वगैरह हम 8 बजे से कर लेंगे, अभी पहले जो कंटिन्यू था उसको आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन 5 तक किया था। 6, 7, 8 थोड़े से वैसे थे ना। क्वेश्चन नंबर 6 करो फटाफट, ये हो जाएगा तुमसे। हाँ, एक क्वेश्चन नंबर 6। हाँ ओके, कुछ नॉइस आ रही है आपके आसपास काफी। बाहर टीवी चल रहा है। गेट बंद कर दो ना। हाँ, अब दरवाजा बंद है, फिर भी थोड़ा तो लाउड है टीवी। मैं बोलती हूँ एक सेकंड। क्वेश्चन पढ़ो, एक बार थॉट देके मेरे को बताओ कि हाउ टू प्रोसीड। हाँ, मतलब पहले तो 0.75 है, हम उसको जैसे एक्स वाई मोल्स अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी क्या कर रहे हो? मैंने क्या किया था? जाओ यहाँ से। तो 0.75 वाई अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एट इक्विलिब्रियम 0.75 माइनस एक्स हो जाएगा, और ये भी 0.7, मतलब ये भी वाई माइनस एक्स, ये वाई माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक ठीक है। है, हाँ एंड एजी जो एजी प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हमें दिया हुआ है, यानी जो एक्सेस है, एक्स दिया हुआ है, एक्स इज इक्वल टू 5×10⁻¹। रुको रुको, प्रोडक्ट क्या बनेगा? एजी प्लस प्लस कुछ और बनेगा, NO3 माइनस, नहीं रुक जाओ, NO3 माइनस तो इधर है। एजी 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 एन AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव बनेगा। लेक्चर नोट्स में किया था ये वाला, लेक्चर ओपन करो, उसमें क्वेश्चन था ये वाला, लेक्चर अच्छा नोट देखो। तो मैं वैसे बता देता हूँ, तो प्रोडक्ट बनेगा AgNH3 होल ट्वाइस।
पॉजिटिव ये बनेगा. हाँ तो 0.75 माइनस एक्स और वाई माइनस एक्स और एक्स ये तो हो गया. अभी अभी तो ये बनेगा तो ओके इसमें एजी की कॉन्सेंट्रेशन तो एम है. दोबारा बोलो. NH3 वोल्ट वाइज बनेगा. हाँ तो Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है हमें. Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आपको दी हुई है 5×10⁻¹ मोलर. ठीक है. हाँ तो ये x के इक्वल नहीं होगा ना. ठीक है क्वेश्चन वाइज सॉल्व नहीं होगा, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, उसमें उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देना चाहिए. बट ये जो 5×10⁻¹ मोलर है दिस विल बी इक्वल टू 0.75 माइनस एक्स. दिस विल बी इक्वल टू 0.75 माइनस एक्स और एक्स Ag प्लस की कंसंट्रेशन है ना. Ag प्लस तो AgNO3 है ना. 0.75 माइनस एक्स के बराबर होगा. नहीं पर ये प्रोडक्ट साइड पे फॉर्म हो रहा है ना. अरे प्रोडक्ट तो ये है जो सामने लिखा हुआ है. एक सेकंड. AgNH3 होल्ड टू इस पॉजिटिव प्रोडक्ट है ना इसका. Ag प्लस तो AgNO3 है ना, वही तो रिएक्ट कर रहा है अमोनिया से. अमोनिया का एडिशन किया है ना. रिएक्टेंट साइड पे है. हाँ भाई तो प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द इशू. 0.75 माइनस x के इक्वल होगा या x के इक्वल होगा. अरे x तो AgNH3 होल्ड टू आइस पॉजिटिव है, वो Ag प्लस की कंसंट्रेशन दे रहा है आपको. Ag प्लस क्या है. Ag प्लस तो इस साइड है. ओके अच्छा ठीक है इसको जोड़ो. नेक्स्ट क्वेश्चन करो. वो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चाहिए. नेक्स्ट वाला सॉल्व करो. Solid NH4 HS is placed in an evaluator flask at a certain temperature to dissociate until total gas pressure is 5 torr. ऐसा कुछ होता है. Calculate value of equilibrium constant for the dissociation reaction. The addition of NH3 is introduced into the equation for the partial pressure of ammonia 7 torr. What is the partial pressure of H2S under these conditions? What is the total pressure in the flask? Yes. Association reaction. Equilibrium constant ki reaction to dissociate until total gas pressure is 500 torr. Okay. So KP ढूंढना होगा ना. तो पहली बात तो टॉर को एटीएम में कैसे कन्वर्ट करेंगे. अरे वो कन्वर्जन तो चलो बाद में कर लेंगे, पहले या वो तो 760 टॉर वन एटीएम होता है हो जाएगा. बट क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा पहले वो देखते हैं. कन्वर्जन की चिंता नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू दी हुई होती है. मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ mole fraction into total pressure of H2S and then mole fraction of NH3 into total pressure in aur in dono ko multiply kar dena hoga. value batao kahan se mole fraction aaya, sab kidhar se aa rahe hain. ye total gas pressure is 500 to 500 ho jayega to the man par iska mole ka wo kya ho wo kya hoga mole fraction मतलब
तो मोल तो नहीं दिया हुआ, उसने केवल टोटल प्रेशर दिया हुआ है। एक सेकंड ना, हाँ ये ऐसे नहीं होगा। आप इसमें भाई किसने इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर दिया हुआ है? हाँ जी हेलो हेलो, 500 टोर इज द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम ना? हाँ सही है ना, NH4HS तब तक डिसोसिएट हो रहा है जब तक टोटल प्रेशर ये नहीं हो जाता, तो टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम स्टेज आने के बाद चेंज नहीं होता है ना। तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश जब हो गया है उस समय 500 टोर प्रेशर है, यही दिया हुआ है। इक्विलिब्रियम के ऊपर H2S और अमोनिया का प्रेशर इक्वल होगा क्योंकि दोनों के जो मोल्स बनेंगे वो इक्वल बनेंगे। NH4HS तो सॉलिड है तो उसका एक्टिव मास 1 होगा, तो अगर H2S का प्रेशर P है तो अमोनिया का भी प्रेशर P रहेगा ना, X और X बनेंगे। बाकी तो कंडीशंस कांस्टेंट है, सर्टेन टेम्परेचर दिया हुआ है तो टेम्परेचर फिक्स्ड है, वॉल्यूम वैसे ही फ्लास्क का होता है। तो P और P अगर ये है तो 2P = 500, मतलब 250 टोर है इनका प्रेशर। एक सेकंड, तो उनका प्रेशर इक्वल होगा तो वो 2P हो जाएगा, तो 2P = 500 है ना, टोटल इक्विलिब्रियम में प्रेशर इन्हीं दोनों का तो है। ठीक है, तो 2P = 500, तो 2P = 500, तो P = 250, KP = P²। केपी तो यही होता है ना, पार्शियल प्रेशर स्क्वायर हो जाएगा, तो केपी तो आ गया। हाँ, पार्ट ए सॉल्व हो गया आपका, पार्ट बी में दिमाग लगाओ। एक Part B, additional NH3 is introduced into the equilibrium mixture until partial pressure of ammonia is 700 torr. वो partial pressure है, total pressure था उतना, नहीं total pressure यहाँ पे काम नहीं करेगा. What is partial pressure of H2S under these conditions? What is the total pressure in the flask? दोनों ढूँढना है. अच्छा तो पर तो H2S का नहीं, सेम नहीं होगा कि NH3 अभी ज्यादा हो गया है, तुमसे नहीं होगा, मैं बता देता हूँ। एडिशनल अमोनिया इंट्रोड्यूस किया है इक्विलिब्रियम पे, मतलब T = T पे अमोनिया थोड़ा एक्स्ट्रा डाल दिया। हाँ, अमोनिया 250 टोर है वो तो हमें पता है, अभी बाहर से ला करके लेट से 50-100 टोर एक्स्ट्रा और डाल दिया अमोनिया। अब ये कह रहा है ये हमने तब तक अमोनिया डाला जब तक अमोनिया का पार्शियल प्रेशर 700 नहीं हो गया, मतलब 700 टोर अब वो कब दे रहा है? T = T' पे जब दोबारा नया इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा। क्योंकि अमोनिया वो डालेगा तो इंस्टेंटेनियसली रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन विल बी ग्रेटर देन फॉरवर्ड रिएक्शन। तो रिएक्शन बैकवर्ड में जाना शुरू होगा, फिर जैसे जैसे बैकवर्ड में जाएगा आरबी कम होगा क्योंकि इस साइड से अमोनिया कम होता जाएगा जब ये बैकवर्ड में जाएगा, फिर फाइनली कभी ना कभी नया इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा। तो जब नया इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा उसको मैंने मान लिया टाइम T = T'। ठीक है, T = T पे पता है 250 250, T' पे उसने आपको ये दे दिया है कि अमोनिया का प्रेशर 700 है। सही है, अब अमोनिया का प्रेशर अगर 700 है तो आप एक काम करो, H2S का T' पे प्रेशर कुछ P1 मान लो। ठीक है, ओके, P1 एज्यूम कर सकता हूँ ना, अननोन है ना, मुझे पता नहीं है तो मैंने P1 एज्यूम कर लिया। P1 मल्टीप्लाइड बाई 700 विल बी इक्वल टू KP, क्योंकि KP आपने अभी पढ़ा था वेंट ऑफ के टाइम पे
केपी केसी सिर्फ स्टाइशोमेट्री और टेम्परेचर इन दो चीजों से चेंज होते हैं और किसी चीज से चेंज नहीं होते। तो जब नया इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया तो फिर से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो वही P1 into 700 होगा ना। हाँ सही है ना बेटा। ठीक बात है। हाँ P1 into 700 equal to KP तो P1 निकल आएगा। KP तो पता है। हाँ KP पता है तो P1 आ जाएगा। KP is a known quantity तो P1 आ जाएगा। अब what is the total pressure in the flask? P1 plus 700। समझ में आया? हाँ ठीक है। ठीक है ना? नोट करो। P1 से आ जाएगा 250/700 and total pressure equal to P1 plus 700 हो गया ना? हाँ ठीक है। ठीक है? हाँ चलो अभी ये मेरा ब्रेक लेने का टाइम हो गया है, लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना ये तुम अभी सॉल्व करके रखोगी। 8 बजे मैं रिज्यूम करूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर लेना, ज्यादा टफ नहीं है, हो जाएगा तुमसे। अच्छा आप 8 बजे आओगे वापस? 8 o'clock आऊंगा ना मैं, 8 to 10। अच्छा ठीक है ना, वो बेल बजी है तो मेरे ख्याल में वो पर्सन आ गए हैं शायद मीटिंग वाले। क्वेश्चन नंबर 8 लेकिन आप सॉल्व कर लेना, 8 आने के बाद नहीं सॉल्व करूंगा मैं, आपका कोई डाउट होगा तो बस वो क्लियर कर दूंगा। ठीक है ओके। ठीक है तो आते ही मैं ये कंप्लीट करूंगा, देन डीवीपी नंबर 1 और 1D है एंड देन लीचा क्लियर प्रिंसिपल। तो आज ये खत्म हो जाएगा केमिकल इक्विलिब्रियम। सही है ओके। ठीक है ओके बाय। एक काम करते हैं, सुनो मीटिंग आईडी यही रखते हैं, मैं पॉज कर देता हूं बस इसको। क्वेश्चन था आपका ये वाला सॉल्व हो गया, कोई डाउट? समझ नहीं आ रहा ये वाला। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ईच इन प्रोड्यूस व्हेन 1.5 मोल इज डिसॉल्वड इन इनफ वाटर टू मेक 1 लीटर सॉल्यूशन। ओके एक मिनट रुको, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। के इक्वल टू 1.0 है, 1.5 CuCl2, तो ये हुआ कॉपर 2 प्लस व्हिच इज रिएक्टिंग विद दिस अगेन, तो 1.5 1.5 माइनस x। अच्छा ये इस तरीके से, ठीक है देखो ये ऐसे होगा, कॉपर क्लोराइड को CuCl2.H2O को जब वाटर में डिसॉल्व कर दिया गया ना तो Cu2 प्लस बना 1.5 मोल, Cl माइनस बना 3 मोल्स। ये समझ में आया? और Cu माइनस Cl माइनस Cu2 प्लस बना 1.5 मोल्स और Cl माइनस बना 3 मोल्स। हाँ Cl माइनस 3 मोल्स। अब उसके बाद Cu2 प्लस और Cl माइनस देखो नीचे एक और रिएक्शन दी हुई है, उसमें रिएक्ट कर रहे हैं। हाँ सो यू विल राइट एट t इक्वल टू 0 1.530 t equal to t पे 1.5 minus x, 3 minus x and x. Okay. इसके बाद equilibrium constant दिया हुआ है, हो गया question, volume दिया हुआ है 1 liter, x निकाल लो, आ गया answer. Oh, अच्छा. अच्छा, तो मुझे बस यही बात, मैंने ये लिख तो दिया था Cl equal to 3 and Cu equal to 1.5. ठीक है, बट उसके बाद समझ में नहीं आता। अच्छा एक दूसरे के साथ दिया करके Cl से बस रहा है। इसीलिए उसने वो रिएक्शन दी हुई है ना नीचे वाली। ओके ओके ठीक है। हाँ चलो ये वाली डीपीपी हो गई कंप्लीट, इसको हटाते हैं अभी, इसके बाद वाली बस एक और है, देन वी विल मूव इनटू लीचैटलियर प्रिंसिपल। आज 2 आवर्स 30 मिनट से हो पाएगा। क्यों? 8:30 हो गया और अभी से पहले 20 मिनट से मान लो हार्डली 20-25 मिनट का। बिल्कुल मैं तो वैसे भी सुबह 5 बजे तक काम करता हूँ ना भाई, मैं तो सुबह 5 बजे सोता हूँ, तुम कितने बजे सोने वाली हो? मैं तो 12 बजे ही सो जाती हूँ। तो ठीक है थोड़ा, बिकॉज मुझे कल सुबह 5 बजे जगना है। 11:30 बजे सो होगी ना, चलो 11 बजे छोड़ देंगे। इतना लेट तो सर मैं नहीं रख पाऊंगी। चलो ठीक है देखते हैं जब तक होगा। हाँ पहले नेक्स्ट जीबी भी फटाफट करते हैं, रुको। अरे शुभी हटो यार। हाँ इसमें सबसे पहला वाला ये जो है, ओके फाइंड केपी वन डी कंपोजेस
ठीक है, फर्स्ट वाला बताओ हो जाना चाहिए मेरे ख्याल में, तो फर्स्ट वाला बताओ कैसे होगा। SO2Cl2 and then SO2+Cl2 decomposes to the extent of 91.2% at 102 degree Celsius. The total pressure is 1 atm. Okay. Decomposes to the extent of 91.2%. So ये time तो नहीं हो रहा, 91.2% क्या होगा? इतना decompose हो गया है. तो 91.2% जो वो 91.2% तो बचेगा 100 माइनस 91.2% बचेगा, मोल्स बचेंगे तो बचेंगे, यानी मतलब इसको परसेंटेज दिया हुआ है ना, तो इसको 100 मान लो, 100 माइनस 91.2% मोल्स बचेंगे। अरे रुको ना, परसेंटेज दिया है तो इसको 100 मान लो, 100 माइनस x, x और x, और x की वैल्यू दी हुई है 91.2, ओके हां सही है ना। हां वही क्या, हां हां बस 100 में से डिसोसिएशन, वो परसेंटेज डिसोसिएशन होता ही है, तो उसको 100 ही अज्यूम कर लो ना। ठीक है, समझ गए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 होम असाइनमेंट में करना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 करो। हां, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन आर गिवन एज अंडर एट 25 degree Celsius. Equilibrium constant for the formation of oxide is given as under at 25 degree Celsius. N2 plus O2 2NO. K equal to this. K काफी large, काफी small है. N2 plus 2O2 2NO2. फिर 2N2 plus 5O2 2N2O2. अच्छा. Choose the correct statement. NO2 is the least stable oxide. N2O5 is the most stable. Stability order should be this. Stability order should be that. यहाँ पे सबसे ज़्यादा K किसका है? Logic बताओ. K के हिसाब से देखते हैं ना stability. हाँ तो. इधर है. K जितना कम होगा उतना product unstable होगा. ज़्यादा stable होगा हाँ. और K जितना ज़्यादा होगा उतना product stability बढ़ जाएगी. बढ़ जाएगी हाँ. ठीक है. कर लेना है इसको। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा सृष्टि एक काम करते हैं, आज 10 बजे तक ही रखेंगे अपन, वेडनेसडे वाला लेक्चर 5 बजे शुरू कर लेंगे। वेडनेसडे को, वेडनेसडे हाँ ठीक है, मेरा ही लेक्चर है ना वेडनेसडे, तो 6 टू 9 है, उसको 5 टू 9 कर लेंगे। अभी तो है, मैं वाज थिंकिंग ट्यूसडे को फ्री हो रही हो ना तुम? हाँ ट्यूसडे को फ्री हो जाऊंगी। हाँ ठीक है, तो वेडनेसडे 5 o'clock रखेंगे, वो ज्यादा बेटर है। आज वैसे भी मेरे को 1.5 घंटा भी मिलेगा। ली चैटलियर प्रिंसिपल एक्चुअली काफी डिटेल्ड होता है, ली चैटलियर केमिकल इक्विलिब्रियम में सबसे इम्पोर्टेंट वही है, तो वो मैं 1.5 घंटे में आराम से आज करवा सकता हूँ, है ना। उसके एग्जाम्पल्स वगैरह अपन वेडनेसडे को करेंगे ना कम्फर्टेबली, क्योंकि आज उतना ज्यादा लोड लेंगे वो मजा भी नहीं आएगा। हाँ हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट विल बी टेम्परेचर, दिस वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन आंसर है डी, इनफाइनाइट। बताओ कैसे? क्वेश्चन नंबर 9 कौन सा? 5 फॉर द रिएक्शन ए इज टू वी प्लस सी प्लस एक्स कैलोरीज, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी 0 पॉजिटिव नेगेटिव इनफाइनाइट एट टेंपरेचर दिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हीट रिलीज हो रही है? नहीं, हीट का सब कुछ नहीं है। अरे कुछ नहीं है, वो उसने फॉरवर्ड एरो लगा रखा है, इक्विलिब्रियम का साइन नहीं लगा रखा है, मतलब फॉरवर्ड में रिएक्शन कंप्लीट होगी। फॉरवर्ड में रिएक्शन कंप्लीट होगी तो रिएक्टेंट 0 हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनफिनिटी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 6, हु इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन दिस एट गिवन टेंपरेचर, व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर A2 और B2। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ना निकाल, रुक जाओ मैं लिख के पढ़ती हूं। A2 प्लस B2 गिव्स 2AB, व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर A2 और B2? A2 B2 सेम ही होगा।
y by x होगा पर यहाँ पे 2 is the equilibrium constant. Okay. एक सेकंड. मतलब हम जो a2 एंड b2 के जो कॉन्सेंट्रेशन को क्या अज्यूम करेंगे, कुछ अज्यूम करके वैसे सॉल्व करें. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में बात कर रहा है. हाँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का क्या मतलब होता है? वन में से डिसोसिएशन, हाँ वन में से होता है. हाँ तो वन और वन अज्यूम कर लो ना. वन वन हाँ वन वन जीरो, अज्यूम किया मैंने, तो वन माइनस वन अल्फा और टू में से अल्फा हाँ 2α और भी तो क्या वन देखा है? अपॉन अल्फा होता है. क्या वन वन माइनस नहीं, तो फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. हाँ तो आगे क्या होगा? भाई, वन माइनस अल्फा टू अल्फा, फोर अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा होल स्क्वायर इक्वल टू टू नहीं दिख रहा है क्या? डेल्टा एन जी जीरो है, वॉल्यूम प्रेशर तो वैसे ही नहीं तो आएगा सही कि करी थी इसका इक्विलिब्रियम है, मतलब. के पी और के हाँ सी बराबर है. हाँ मैंने यही किया बट वो उसके बाद क्वाड्रेटिक आ गई तो मैं रुक गई थी, आगे सॉल्व करना चाहिए था. हाँ डेटे का भी तो एक्स क्या स्क्वायर हुआ? प्लस 3x+1 आ रहा था. हाँ फोर अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा होल स्क्वायर हो जाएगा ना, टू अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा का होल स्क्वायर है ना. नहीं, हाँ क्वाड्रेटिक मेरे को क्यों वही बने? लिखा था, मैंने सेम चीज लिखी थी बट. हाँ भाई एक मिनट रुको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ से आ गई इसमें? तुम्हारी अरे बने ना 1 - α द होल स्क्वायर. मैथमेटिक्स भी वीक है क्या? टू अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा का होल स्क्वायर है इक्वल टू वो टू, तो वन माइनस अल्फा का हो सकता है. हाँ टू अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा इक्वल टू रूट टू. क्या कर रही हो? √2 टू अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा होल स्क्वायर अगर टू होता है तो स्क्वायर रूट ले लो ना दोनों साइड में. अरे हाँ मतलब इक्वेशन वही लिखी है मैंने. तो क्वाड्रेटिक कहाँ है? टू अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा इक्वल टू रूट टू, ये क्वाड्रेटिक थोड़ी होती है, लीनियर इक्वेशन है. लीनियर बन गई, ठीक है उसको लीनियर में कर लिया. ओके ठीक है, कर लेना इसको आगे. रूमोल्सा चूज द इक्विलिब्रियम टू स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 8 होम असाइनमेंट, क्वेश्चन नंबर 9 करो. PCl5, PCl3 and Cl2. If alpha is the degree of dissociation, P is the total pressure, the partial pressure of PCl3 is. एक सेकंड, ए बी सी ठीक है. तो ए बी सी अल्फा अल्फा क्या है? अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. एक सेकंड लिख लेती हूँ उसको. ए बी सी Thank you.
b minus x upon a plus b plus c minus 3x हो जाएगा मोल फ्रैक्शन. हेलो. हाँ सुन रहा हूँ मैं. और कैसे लिख सकते हैं. नहीं आ रहा. नहीं हाँ. देखो ए बी सी ये टी इक्वल टू जीरो की सिचुएशन है. हाँ. अभी लिखना शुरू करो ए माइनस एक्स बी प्लस एक्स और सी प्लस एक्स. बी प्लस अच्छा बी प्लस एक्स और सी प्लस एक्स. हाँ. टोटल मोल्स हो गए ए प्लस बी प्लस एक्स. हाँ. पार्शियल प्रेशर विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर. हाँ. मोल फ्रैक्शन हो जाएगा PCl3 का b plus x upon a plus b plus c plus x. हाँ वो तो आ गया. अब a minus x है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है तो अल्फा की वैल्यू तो x upon a होगी ना. a में से x डिसोसिएट होता है तो 1 में से x upon a डिसोसिएट होगा. अल्फा एक सेकंड एक सेकंड ये वाला पार्ट अल्फा की वैल्यू a में से x गया तो 1 में से x बाई a गया ना. हाँ. 1 में से जो जाता है वही तो अल्फा होता है. अल्फा इज इक्वल टू x बाई a. x इज इक्वल टू a अल्फा. ओके. सब्स्टिट्यूट कर तो आंसर आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. Action if the concentration of A is doubled and that of B is half, then the forward rate remains unaffected. A and B की बात हो. Sorry. एक मिनट. A plus B तो ये हो जाएगा reaction rate पहले था. A C D नहीं सेम रुक जाओ. ए बी Thank you.
कि कॉन्सेंट्रेशन इज डबल्ड. ओके तो ये बन गया 2a और ये बन गया b by 2. ओके तो a a b b then k c on k c dash equal to 1 on 2. Remains unaffected. ठीक है क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा रिएक्शन N2O2 एट NO एट इक्विलिब्रियम. मोल्स N2O2 एंड NO प्रेजेंट इन द सिस्टम पर लीटर ऑफ 0.5. नहीं, नंबर ऑफ मोल सेम रहेंगे क्या? नहीं ना. हेलो. हाँ बोलो. नंबर ऑफ मोल सेम रहेंगे क्या? सेम रहेंगे क्या? रुको पढ़ने दो. ऑल द रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सिस्टम आर दिस मच. व्हाट विल बी द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2 एंड O2 रेस्पेक्टिवली? मेथड बता देता हूँ फिर होम असाइनमेंट में सॉल्व करना. सिंपल सी चीज है. आपको इक्विलिब्रियम पे उसमें मेथड भी क्या बताना है. बहुत आसान क्वेश्चन है. N2O2 और NO के जो मोल्स पर लीटर जो कंसंट्रेशन आपको दी गई है वो दी गई है 0.25, 0.05 एंड 1 मोल रेस्पेक्टिवली. N2 और O2 का इनिशियल कंसंट्रेशन पूछा गया है. तो सीधी सीधी सी बात है N2 और O2 का जो डिसोसिएशन होगा अगर N2 X खत्म होता है तो O2 भी X खत्म होगा. हाँ. दोनों का डिसोसिएशन इक्वल है. अब सारे ऑप्शन चेक कर लो ना. अगर 0.75 मान लो N2 की कंसंट्रेशन इनिशियल होती है तो X की वैल्यू हो जाएगी 0.5. X की वैल्यू अगर 0.5 हो जाएगी तो O2 की वैल्यू 0.05 आ जाएगी. तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ना. अच्छा एक एक ऑप्शन चेक कर लो ना. समझ में आ जाएगा ना. एक मिनट में कर लेते हैं. क्या है फर्स्ट ऑप्शन चेक करो. 0.75 माइनस एक्स 0.55 माइनस एक्स. 0.75 माइनस एक्स में 0.75 माइनस एक्स इक्वल टू 0.25. तो एक्स की वैल्यू क्या है? 0.5 है ना. हाँ. तो 0.5 वैल्यू अगर x की है तो 0.55 माइनस x इज इक्वल टू 0.05. तो मैच कर तो रहा है. ठीक है मैच कर रहा है तो हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 13. फॉर रिएक्शन दिस एट इक्विलिब्रियम द पार्शियल प्रेशर ऑफ द स्पीशीज आर pa इक्वल टू 0.5, pb इक्वल टू 0.1, pc इक्वल टू 0.3. ओके. If the capacity of the reaction vessel is reduced, capacity is reduced, the equilibrium is re-established. New situation, partial pressure of A and B become twice what is the partial pressure of C. KP to same rahega, hai na? Haan, to ho jayega. Theek hai, home assignment mein kar lena phir. Question number 14 karo.
for reaction C plus CO2 to CO at equilibrium, the mole percent of CO equal to CO equal to 50%. What is the degree of dissociation? तो 50% है तो वो भी इक्विलिब्रियम मोल परसेंट इज इक्वल टू 50% इक्विलिब्रियम पे. व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक्स. ओके x equal to 25, ठीक है तो degree of dissociation हो जाएगा हमारा 0.25 मतलब x यहाँ पे मतलब degree of dissociation नहीं मतलब जो इसका है वो आ रहा है 25 तो 1/25 बट यहाँ पे 1/25 तो ऑप्शन है नहीं नहीं तो इसको 1 - x 1 - x एक्सिम कर देंगे और उसको 2x मान लेंगे ठीक है. तो मोल परसेंट ऑफ सीओ इज इक्वल टू 50% ऑफ व्हाट. अच्छा तो 1/2 इधर है व्हाट आर सेइंग टोटल नंबर ऑफ मोल्स के 1/2 इधर है. इस क्वेश्चन में दो खास बात है. क्या पहली खास बात इस टाइप का क्वेश्चन तुम लेक्चर नोट्स में कर चुकी हो. अच्छा मतलब ये वो वाला 100 - x वो वाला. और दूसरी खास बात ये क्वेश्चन तुमसे होगा नहीं. और तीसरी खास बात ये क्वेश्चन तुमसे होगा नहीं फिर भी तुम ट्राई कर रही हो. तो ना करूं कल डैडी का फोन आया था फिर मैंने कॉल किया था तो प्रेजेंटेशन में थे उन्होंने बोला कॉल करता हूँ फिर मैं भी सो गया था उनका भी कॉल नहीं. हाँ आई थिंक आज कॉल करेंगे आज हो नहीं पाया पता नहीं क्या कल शायद कल आज मैं कॉल करेंगे वापस. क्या हुआ क्या काम था. नहीं अच्छे सारे टीचर्स को बात कर रहे हैं अभी की मतलब सिलेबस खत्म करवाना है इस बारे में. वो तो हो ही जाएगा सिलेबस की कोई चिंता नहीं. आप मतलब बिना टेंशन के बोल रहे हो मैं तो मतलब कल रहे यार हो ही नहीं पा रहा. अच्छा मैं फिजिक्स में काफी अच्छे नंबर आया अभी रिसेंटली. गुड वेरी गुड ये तो बहुत अच्छा. कहाँ पे कौन से वाले टेस्ट में. हेलो हेलो ये आवाज कहाँ चली गई. हेलो 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 सर. हाँ नाउ आई कैन हियर यू. बीच में आवाज चली गई थी. फिजिक्स में कौन से पेस वाले टेस्ट में. नहीं पेस वाला नहीं मतलब जो मैं एक्चुअली जो मेरे मैथ्स के सर है ना तो उनके इंस्टीट्यूट का एक वेबसाइट है तो उससे टेस्ट दिया था मैंने. अच्छा अच्छा मतलब वो जैसे अपना वो संडे वाला टेस्ट होता था उस टाइप का. हाँ उस टाइप का. कितने परसेंट मार्क्स आए. तो I got around 60 marks. मतलब actually उसमें क्या हो रहा था मतलब एक मतलब 60 marks आए और उसमें ये भी था कुछ questions जैसे मतलब 6 questions कुछ ऐसे थे out of 30 questions and 6 questions कुछ ऐसे थे जो मतलब इस test के मतलब नहीं थे मतलब उस chapter के नहीं थे जो मैंने पढ़ा था. तो मतलब total कितने marks का paper था. 120. और तुम्हारे कितने marks आए. 60. ये बहुत बेकार marks खराब marks नहीं लग रहे तुम्हें ऐसा क्यों. पर एक मिनट 120 मार्क्स का पेपर था ये और कितने क्वेश्चंस थे. कितने क्वेश्चंस थे. 30 क्वेश्चंस थे. और कितना टाइम था टाइम ड्यूरेशन. एक घंटा.
तो 50% मार्क्स गड़बड़ है यार, 60% तो आने चाहिए ना कम से कम, नहीं? एक्चुअली इसमें कुछ 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरे चैप्टर था, तो मैंने पढ़े नहीं थे, तो वो 6 क्वेश्चंस हटा दो तो 24 क्वेश्चंस का पेपर हो गया, राइट? हाँ, तो मतलब 100 मार्क्स का, हाँ फिर ठीक है, फिर 60% है तो ठीक है, 70% अगर लाएंगे तो अच्छा रहेगा, उतने आने चाहिए, क्योंकि कोई भी पार्ट अगर तुम कर लेती हो तो एक्चुअली सारे क्वेश्चन होने चाहिए, फिर ह्यूमन एफिशिएंसी होती है 20-30% की, तो आइडियली मतलब 60 से 70, 60 के नीचे नहीं जाना चाहिए कभी भी, ये ध्यान रखना किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है? हाँ करो, चलो सॉल्व करो। अच्छा एक्चुअली मेरे पापा बुलाते हैं, मैं एक मिनट देखता हूँ क्या होगा। लेक्चर रूम में आप व्हाट्सएप कर दो ना। थोड़ा गुस्सा करते, कहते संडे को नहीं रखना चाहिए। वो तो उनका तेरे पास कॉल आएगा, मैं बात कर लूंगा, पोर्शन तो कंप्लीट करना है ना अपने को, लोड तो वही मैंने उनको बोला, बहुत सारे लेक्चर्स में सो रहे थे और कोई टाइम नहीं था। हाँ और वैसे भी पोर्शन अपने को टाइमली कंप्लीट करना है, अभी बड़ा सही चल रहा है, केमिकल इक्विलिब्रियम हो जाएगा नेक्स्ट वीक में, आयनिक भी काफी हद तक हो जाएगा, और अगर एटॉमिक की डीपी भी आप अटेम्प्ट कर लोगे तो वो भी शायद कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बस आप थोड़ा उन्हें आइडिया दे दीजिए कि मतलब किस महीने में कितना क्या हो जाएगा। वही है ना, बेसिकली आपके फिजिकल केमिस्ट्री में केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम के बाद में खाली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, गैसेस स्टेट, केमिकल काइनेटिक्स, यही 3 चैप्टर्स तो बचे हुए हैं। हां तो उसके बाद जो सितंबर वाला मंथ होगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस में ब्लॉक्स वाला पूरा पार्ट आ जाएगा, क्योंकि वो सारे जितने प्रैक्टिकल्स होते हैं सब कुछ ही करना होता है। हां वो तो होता है। हां लास्ट में 2.5 महीने कम से कम अपने पास ऑर्गेनिक के लिए, 2 महीने से ज्यादा लगता ही नहीं है ऑर्गेनिक में। ठीक है, बस अभी मैंने इजीली स्टार्टिंग से कहा ना, जो चैप्टर्स करते जाना उस पर ध्यान दो कि वो दोबारा बार बार करने का उसके अंदर वो नहीं रहेगा, जो कर रहे हैं तो टाइमली करते जाओ। मैं एक आध दिन इसीलिए तो लेक्चर छोड़ देता हूँ भले ही अगर लोड होता है तो, क्योंकि अगर वो अभी नहीं किया तो पूरा चैप्टर ही चला जाएगा, तो बाद में और फिर 1-2 महीने नहीं है ना, वो इम्पोर्टेंट मतलब वो ठीक है, किस्मत से वो मिल जाएंगे। जनवरी वाला तो एक्सटेंशन हो गई जेई मेंस का, बट उसको मान करके मत चलो ना अभी से, मान करके मत चलो, वही वही मैं भी सोचूं जनवरी में ही हो जाएंगे, बिकॉज़ मतलब वो एक्सटेंशन होगा वो 100% श्योरिटी है, बट लेट्स नॉट अज्यूम इट, एक्सटेंशन होगा तो अच्छा है, रिवीजन का और टाइम मिलेगा। तो अपना तो अभी बिल्कुल टाइमली करके चलते हैं। हां क्वेश्चन नंबर, हां तो ये 14th कर रहे थे, चलो मैं बता देता हूं, 14th वो तुमने किया हुआ है लेकिन इतनी जल्दी वो शायद अभी नहीं होंगे, ये 2-stage questions हैं। इसमें ऐसे होगा, mole percent of carbon monoxide 50 है equilibrium पे, ठीक है?
ये 50 है तो CO2 भी 50 होगा. हाँ क्योंकि कार्बन ग्रेफाइट तो एक्टिव मास 1 है ना. हाँ तो इसका हाँ तो अब एक मिनट, एक चीज मुझे चेक करने दो. नहीं, इसमें इसको मेंशन करना चाहिए. आप एक चीज इस क्वेश्चन में मेंशन कर लो दैट द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज 1 लीटर. वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज 1 लीटर. ओके, एक सेकंड. वॉल्यूम 1 लीटर, क्योंकि इसमें क्या होगा, डेल्टा एन जी जीरो नहीं है, तो वॉल्यूम और प्रेशर की जो टर्म्स होती है ना, वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिलेशन नहीं होगा. तो वो मेंशन करना भूल गया है. अगर वॉल्यूम नहीं होगा तो क्वेश्चन इनकम्प्लीट हो जाएगा इसमें. अच्छा, तो मतलब होगा कैसे आगे? हाँ, तो बस इसके बाद तो हो गया आपका 50 और 50 इनका मोल परसेंटेज है. मतलब टोटल 100 मोल्स अगर मैं अज्यूम करता हूँ तो 50 इसके हैं, 50 इसके हैं, तो मोल फ्रैक्शन निकल जाएंगे. निकले ही हुआ है एक्चुअली, 50-50 मोल फ्रैक्शन ही है. राइट. अभी आपका एक्चुअली 100 अगर मैं टोटल मोल्स अज्यूम कर लेता हूँ तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन निकल आएगी 50 ml 50 ml, वॉल्यूम 1 लीटर है. और एक सेकंड, यहाँ पे हो क्या रहा है? मतलब देख, 50% मोल्स इसके हैं CO2 के. ओके, और मैंने टोटल मोल्स इक्विलिब्रियम पे अगर 100 अज्यूम कर लिए तो 50-50 मोल है ना दोनों के. हाँ, कंसंट्रेशन भी वही है, 50 मोलर 50 मोलर. कंसंट्रेशन आ गई तो केस ही आ जाएगा. अभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता है? हाँ, तो केस ही आ जाएगा. हाँ ठीक है. अभी वापस से अब आपको निकालना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. तो वापस से आप टी इक्वल टू जीरो पे CO2 गैस का 1 मोल अज्यूम कर लो. तो 1 0 1 माइनस अल्फा और 2 अल्फा. तो इसका जो Kc आएगा 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम जो कि 1 लीटर है. तो 4 अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू Kc. Kc, हाँ. अल्फा निकाल लेना. हो गया. हाँ, आगे बढ़ो. क्वेश्चन नंबर 15. एक मिनट, मैं 37 क्वेश्चन था. चलो ठीक है, कोई बात नहीं. क्वेश्चन नंबर 15 करो. नहीं ठीक है, आज ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते हैं. लीजिएटलीस भले ही मैं नेक्स्ट टर्न पे करूंगा. अच्छा ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है. आज मैं कर भी दूंगा ना, मैं आपसे पूछने ही वाला था कि नेक्स्ट टर्न पे एक्चुअली लीजिएटलीस प्रिंसिपल एक ऐसी चीज है, अगर आपने रिवाइज नहीं किया ना तो नेक्स्ट लेक्चर हो ही नहीं पाएगा. क्योंकि इसका सबसे बड़ा पार्ट एक्चुअली लीजिएटलीस प्रिंसिपल ही होता है. वो इक्विलिब्रियम डिस्टरबेंस है कि अगर इक्विलिब्रियम को मैं डिस्टर्ब करता हूं तो क्या होगा, तो उसमें क्या कनेक्टिविटी चाहिए होगी. तो वो बेटर है उसी दिन, फर्स्ट 4 घंटे का उस दिन लेक्चर रहेगा. फर्स्ट 1.5 आवर में थ्योरी ले लूंगा, नेक्स्ट 2.5 आवर उसके डिटेल में सारे प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस कर लेंगे. ठीक है. अगर आज मैं करवा भी देता हूँ ना उसकी थ्योरी, और आपको टाइम शायद ही मिलेगा ट्यूजडे तक आप ऑक्यूपाइड हो, अगर उसको उसकी थ्योरी भी क्योंकि काफी बड़ी है 1-1.5 घंटा लगेगा उसमें, अगर वो रिवाइज नहीं करके आप आओगे तो उसकी प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करने के लिए वापस से वो वैसे भी रिवाइज क्लास में करना पड़ेगा. तो केपीकेसी कैलकुलेशन कंप्लीट कर लेंगे, कम से कम ये रिवाइज करके आना केपीकेसी कैलकुलेशन, है ना, क्योंकि इसका ये बेसिक जरूरत पड़ेगी. हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 करो. Total pressure is 800 m. Okay. Calculate value of Kp. It is assumed that the volume of the system remains unchanged. X square upon 600 minus X and X equal to 200. एक मिनट, X square upon 600 minus X. रुको,
Initial price was 600. X equal to at equilibrium. हाँ ये तो 200 है and then x तो 200 है. दूसरा इक्वेशन क्या बताया आपने बेटा? x square upon 600 minus x. That is kp. हाँ ठीक है ये तो हो जाएगा. Technological minimum vessel initial. हाँ 17th करो. नहीं 17th होम असाइनमेंट में करना. 18th करो. ओके certain temperature in the beginning 1 mole of x2 1 mole of x2 is taken in 1 liter flask. 2 moles of x2 is taken in 2 liter flask. Okay. What is the equilibrium concentration of x2 and y2? Given equilibrium concentration of xy equal to equilibrium concentration of xy equal to 0.6. So 1 minus 0.2, 1 minus 0.3 and 1 minus 0.3. Is there any option? No. Was taken in a 1 liter glass and 2 moles of Y2 was taken in another 2 liter glass. Huh? So the concentration Y2 का तो वो हो जाएगा, 1 हो जाएगा. Initial concentration कितनी ली है X2 और Y2 की? Initial concentration 1 and 1 हुई. कैसी बातें करते हो? नहीं, 1 mole upon 1 liter ना. सिंपल क्वेश्चन है. इनिशियल कंसंट्रेशन x2 और y2 की कितनी ली है आपने? 1 एंड 1. तो गलत लिया हुआ है. पर ये मोल थोड़ी ना लेंगे. 1/3 और 2/3 होगी ना. मिक्सिंग अप का केस नहीं दिख रहा है? ध्यान से. ठीक है. हाँ. अभी होम असाइनमेंट में करना. क्वेश्चन नंबर 19 करो. रिएक्शन 19 भी होम असाइनमेंट में करना. अभी आप करो क्वेश्चन नंबर 20. Two m acetic acid and 1 liter of 3 m ethyl alcohol are mixed together to form ester. According to the given equation. Okay. If each solution is diluted by adding volume of water, how many times the initial form rate is reduced? फॉर्म रेट मतलब क्या हुआ? फॉर्म रेट मतलब क्वेश्चन नंबर 20 ना. हाँ. 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन में ई सॉल्यूशन इज जरूरी बाय एडिंग व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर हाउ मेनी टाइम्स द इनिशियल रेट फॉर्म इनिशियल फॉर्म ने नहीं फॉरवर्ड
इनिशियल फॉरवर्ड रेट इज रिड्यूस्ड. ओके एक मिनट. तो वैसे वो कोलाइडल स्टेटस में वो सब कब करेंगे? क्या हुआ? वो कोलाइडल स्टेट वाला और मतलब वो सब कब करेंगे? बस फिजिकल में भी थोड़ा पार्ट बचता है ना. वो इनऑर्गेनिक के एंड में करेंगे. थ्योरेटिकल पार्ट से न्यूमेरिकल है ही नहीं उसमें. पहले पूरा मेन पार्ट कंप्लीट करेंगे. ठीक है. नहीं आ रहा. 2M 3M को मिक्स किया और नेक्स्ट अभी सॉल्यूशन डाइल्यूटेड बाय एडिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर. ठीक है ना? इक्वल वॉल्यूम अगर मिक्स करेंगे रेट क्या होगा? रेट तो आर एफ इज इक्वल टू के एफ ए एन टू बी. ए एन बी आर रिएक्टेंट्स. हर एक का अगर मैं इक्वल वॉल्यूम मिक्स करता हूँ तो 1 लीटर 1 लीटर अगर मैं और ऐड करता हूँ तो जो कॉन्सेंट्रेशन होगी, जैसे टोटल वॉल्यूम 2 लीटर हो गया तो पहले अगर 1 से डिवाइड हो रहा था तो अभी 2 से डिवाइड होगा तो 1/2 और 1/2. तो एक मिनट, इक्वल वॉल्यूम पहले तो वॉल्यूम ऐड करना है तो कंसंट्रेशन इसकी डिक्रीज होगी. कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो रेट डिक्रीज होगा. तो रेट 0.25 टाइम्स से डिक्रीज होगा ना. हाफ इनटू हाफ 1/4 होता है ना. 0.25 टाइम्स. ओके ठीक है. क्वेश्चन नंबर 21 करो. हाँ. KP1 is to KP2 equal to 9:1 का रेशियो एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए एंड डी बी द सेम. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सेम. अच्छा
सर नहीं पता। केपी वन और केपी टू का रेशो दिया हुआ है, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी दिया हुआ, दोनों की अल्फा ही है। अब ये गिवन बी प्लस सी को लिखना शुरू करो, 1 0 0 वन माइनस अल्फा, अल्फा एंड अल्फा, 1 1 0 0 वन माइनस अल्फा, अल्फा एंड अल्फा। हाँ इसका जो जो के पी वन आएगा वो आएगा अल्फा स्क्वायर पी वन अपॉन वन माइनस अल्फा। हाँ ऐसे डी गिविंग टू ई को लिखो 1 0 वन माइनस अल्फा एंड टू अल्फा। वन जीरो वन जीरो जीरो वन माइनस अल्फा एंड टू अल्फा। हाँ के पी टू आएगा 4 अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई पी टू अपॉन वन माइनस अल्फा। 4 अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय पी टू टोटल प्रेशर पी टू। हाँ पी टू अपॉन वन माइनस अल्फा। वन वन माइनस अल्फा। ओके दोनों को के पी वन और के पी टू को डिवाइड कर लो, अल्फा कैंसिल हो जाएगा, पी वन और पी टू बचेंगे खाली। पी वन बाई पी टू निकाल लेना, के पी वन बाई के पी टू का रेशो दिया हुआ है 9:2 का। उनमें आया समझ गया, क्लियर है, ठीक है। इसके बाद अब एक मिनट, ये क्या हो गया, कौन सा क्वेश्चन नंबर था ये, क्वेश्चन नंबर 22 तो दो रिएक्शन दी हुई है, प्लस माइनस करके तीसरी रिएक्शन लानी है, ये घर पे कर सॉल्व करना आप होम असाइनमेंट में। फिर क्वेश्चन नंबर 23 में 23 सॉल्व करो। To the point equilibrium 50% she reacted has been reacted has been reacted acha partial pressure of ammonia would be पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया होगी।
एट इक्विलिब्रियम वो y by 2 एंड 3 y by 2 वैसे हो जाएगा. दोबारा बोलिए. एट इक्विलिब्रियम वो y by 2 एंड 3 y by 2 हो जाएगा. y क्या है? y मतलब जो इनिशियल मोड्स अज्यूम किए थे y 3y ऐसे अज्यूम किए थे रेशियो. अच्छा तो y और 3y अप टू पॉइंट आया 50% रिएक्शन हो गई. हां तो y by 2 और 3y by 2 हो जाएगा. सही है. तो अमोनिया भी पता है बेसिकली इन टर्म्स ऑफ y. अभी हाँ. If the total pressure of the equilibrium is P, partial pressure of ammonia, तो ammonia का mole fraction निकाल लो ना. Mole fraction निकालोगी तो y अपने आप ही cancel हो जाएगा. कैसे? अरे mole fraction लिखो ना. ammonia के कितने moles हैं? 2x थे, मतलब 2y by 2, मतलब y. ammonia के moles y हैं. total moles से divide करोगे, total moles भी in terms of y होंगे, तो y से y cancel होगा ना. आंसर हो गया फिर P by 6. ओके ठीक है. हाँ क्वेश्चन नंबर 24 तो वही रिएक्शन दी हुई है. ऐड सब्सट्रैक्ट करके नीचे वाली रिएक्शंस लानी है. होम असाइनमेंट में कर लेना. 25 करो. मैं एक सेकंड मतलब बात हूँ क्या है. ओके Thank you.
ये रिकॉर्डर भी है। छुपी हटो, क्या कर रहे हो? हाँ हाँ, बस देख रहा हूँ। इसमें रिकॉर्डर भी है। हटो। आईपैड में तो नहीं होता है। लड़के, तुमने क्या बंद किया बोले? हटो। क्या कर रही है? हेलो। ओके, 2 mole ऑफ एस, 0.2 mole, 2 mole मिक्स इन अ 1 liter वेसल। पार्शियल प्रेशर ना, पार्टिकल प्रेशर ऑफ H2S। ओके, पर H2S तो टेक पार्ट ही नहीं करेगा ना, पर हाँ उसका प्रेशर थोड़ा तो एग्जर्ट करेगा कुछ। ओके ठीक है, उसमें क्या दिक्कत, तो करते हैं। -x 2 -x, ठीक है, और ये x हो जाएगा। केपी दिया हुआ है। टोटल प्रेशर केपी दिया हुआ है, ठीक है, टोटल प्रेशर, ठीक है, तो केपी जी
कहूंगा 0.2 माइनस एक्स तो 0.2 माइनस एक्स इक्वल टू केपी है ना 0.2 माइनस एक्स इक्वल टू केपी दो इक्वेशन करेंगे एक्स इक्वल टू केपी ये कौन सी इक्वेशन बिकॉज़ 0.2 मोल है एच का एच टू का और केपी तो उसी का आएगा ना नहीं रुक उसका पार्शियल प्रेशर आएगा मतलब इनटू पी 0.2x और 2 माइनस x अपॉन 2.2 माइनस x इनटू पी इक्वल टू 6.2 इनटू 10 रेस टू माइनस 2 दोबारा बोलिए इक्वेशन सर इसकी दो इक्वेशन बनेंगी एक तो पार्शियल प्रेशर की ठीक है और एक केपी की ठीक है तो केपी की इक्वेशन हाँ इक्वेशन बताइए हाँ तो जो केपी इक्वल टू जो केपी की वैल्यू दी है इट इज इक्वल टू 0.2 माइनस एक्स अपॉन 2.2 माइनस एक्स इनटू पी न्यूमेरेटर में क्या है 0.2 माइनस एक्स न्यूमेरेटर में है हाँ डिनोमिनेटर में क्या है 2.2 माइनस एक्स डिनोमिनेटर में 2.2 माइनस एक्स 2.2 कहाँ से आ गया सर 0.2 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स एंड एक्स प्लस एक्स H2S अपॉन H2 दिस विल बी इक्वल टू KP H2S अपॉन अरे सल्फर सॉलिड होगा H2S तो गैस है और H2 भी गैस है H2S S दिया हुआ है वो तो गलत प्रिंट होगा H2S तो गैस होती है ना हाइड्रोजन सल्फाइड हां ओके अच्छा इसलिए गड़बड़ हो रहा था हां H2S अपॉन H2 विल बी इक्वल टू KP अभी H2S और H2 दोनों के एक्सप्रेशंस लिखो ना वहां पे हां लिख रही हूं तब तो हो जाएगा x अपॉन 0.2 माइनस x इक्वल टू KP तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कट जाएंगे ठीक है पी भी कट जाएगा हाँ फिर आगे हो गया आ जाएगा क्या क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा तो फिर उसका पार्शियल प्रेशर ओके हमें पी नहीं पता है 1 लीटर एट 90 डिग्री मोल्स पता है मोल्स पता चल जाएंगे 1 लीटर पता है 90 डिग्री पता है तो फिर पी आ जाएगा पी वी इक्वल टू एनआरटी से हाँ पी वी इक्वल टू एनआरटी लगा के आ जाएगा ठीक ट्वेंटी सिक्स करो Those contain under 1 atmosphere. It is heated to 600 K when 20% biomass of N2O4 decomposes to NO2. Okay. Heated to 600 K. 20% biomass of N2O4 decomposes to NO2. Resultant pressure is. देखते हैं Thank you.
वॉल्यूम आ गया 24. वॉल्यूम आ गया 240. ओके एंड 240 इट इज केप्ट दैट इट इज हीटेड टू दिस बट व्हेन 20% मास डिकम्पोजेस टू NO2 द रिजल्टेंट प्रेशर इज टोटल प्रेशर पूछ रहा होगा तो ठीक है 20% बायो मास ऑफ N2O4 डिकम्पोजेस टू NO2 मैंने वॉल्यूम फाइंड कर लिया तो 240 आ रहा है कौन सा मतलब हाँ तो बोलो आगे बोलो ठीक है कर रही हूँ नहीं आ रहा 20% by mass for N2O4 will be equal to 20% by moles क्योंकि उसका molecular weight तो fixed है अभी 1 mole initially था N2O4 giving 2 NO2 1 minus alpha 2 alpha total moles हो गए 1 alpha 2 alpha N2O4 giving 2 NO2 decomposition है ना हाँ 1 minus alpha and 2 alpha total moles at equilibrium हो गए 1 plus alpha अभी alpha तो 0.2 है तो so, PV equal to NRT alpha equal to 0.2 okay हाँ 0.2 0.2 ही है ना अभी हाँ. 1 mole at 300 Kelvin is in a closed container and under 1 atmosphere pressure तो 600 केल्विन रखो सोचने दो रिजल्टेंट प्रेशर विल बी हाँ तो इनिशियली ठीक है ये है हाँ तो इनिशियली टी इक्वल टू जीरो पे पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा तो वॉल्यूम आ जाएगा वॉल्यूम 240 आ रहा है जो भी आएगा 240 तो आ ही नहीं सकता कैसी बातें कर रही हो अरे आर की वैल्यू 0.082 होती है 0.08 होती है R की वैल्यू तो 0.082 ही होती है ना हाँ तो 1 एटमॉस्फेयर मल्टीप्लाइड बाय V इज इक्वल टू 1 मोल इनटू R इनटू T 22.4 लीटर आएगा ये 22.4 या समथिंग 22.4 लीटर या 322.4 लीटर 24.4 समथिंग आएगा ना 300 को 24 आ रहा है हाँ 24 आ रहा है हाँ वो आ जाएगा वॉल्यूम उसके बाद में वो वॉल्यूम सेम रहेगा इक्विलिब्रियम पे प्रेशर निकालना है वॉल्यूम पता है जो पहले कैलकुलेट किया है टोटल मोल्स हो गए 1 प्लस अल्फा मतलब 1.2 आर 0.082 है टेंपरेचर 600 केल्विन है प्रेशर निकाल लो ओके ठीक है पीवी इक्वल टू एनआरटी हो जाओ इसके बाद में
27th करो, कैसे होगा? या 27th होम असाइनमेंट में करना, नहीं होता है तो मेरे से पूछना। अभी 28th करो। कॉल करो 28th। Then generate amount of CO, CO3 remain at equilibrium is okay. प्रेशर निकाल सकते हैं। मेथड बताओ कैसे निकालेंगे।
एक सेकंड की वैल्यू आ गई तो अल्फा के बारे में मैं क्या करूं. हमें ये फाइंड करना है द अमाउंट ऑफ CaCO3 रिमेन एट इक्विलिब्रियम. तो 2 माइनस अल्फा, हां तो अल्फा अगर 0.05 तो 2 माइनस 0.05 तो अल्फा की वैल्यू इस है अरे स्क्वायर रूट ले लो यार, इतना क्या सोच रही हो. स्क्वायर रूट 1.04 का स्क्वायर रूट ले लो, केपी आ जाएगा. 1.04 का आगे खोल के देखो, CO2 और H2O दो ही तो गैसियस हैं. हाँ तो CO2 का X बनेगा तो H2O भी X बनेगा, तो इसका प्रेशर P होगा तो इसका भी P होगा. केपी इक्वल टू पी स्क्वायर. अच्छा इक्विलिब्रियम प्रेशर दिया हुआ है ना, तो 2P इज स्क्वायर रूट नहीं लेना पड़ेगा. टोटल प्रेशर 2P इज इक्वल टू 1.04, इसको 2 से डिवाइड कर दो और उसको होल स्क्वायर कर दो, केपी आ जाएगा. एक यहां पे दो गैसेस हैं, मतलब अरे दो ही तो गैसेस हैं, CO2 और H2O. क्या हुआ उसमें SS लिखा हुआ था. क्या लिखा हुआ था? S और S लिखा हुआ था ना. कहां S और S लिखा हुआ है? अभी भी स्क्रीन पे सामने ही है. हाँ जी 27th वाला नहीं कर रहे हम, 28th कर दे. चलो आप 27th कर लो फिर, फटाफट करो. 28th कर रहे थे हम लोग, चलो 27th करो. मैंने 0.05 अपॉन 2 परसेंट. भैया जो केपी है दैट इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. अभी 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, मतलब 1/5 मोल्स है. 0.2 मोल्स है इसके इनिशियली. कॉन्सेंट्रेशन 2 हो गया. अरे रुको भाई, कॉन्सेंट्रेशन कहाँ से आ गया? एक्टिव मास 1 है. हाँ एक्टिव मास 1 दिया है. वॉल्यूम टेम्परेचर दिया हुआ है. अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिमेनिंग एट इक्विलिब्रियम तो 0.2 माइनस एक्स एक्स और एक्स. अभी जो एक्स मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के हैं, CO2 का मुझे प्रेशर पता है, वॉल्यूम दिया हुआ है, उसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकता हूँ पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा के. हाँ उसके जो नंबर ऑफ मोल्स है वो एक्स है. तो वो x पता है. हाँ ओके. अगर x पता है तो 0.2 माइनस x भी पता है. अभी अमाउंट ऑफ कैल्शियम का आप x निकालो. x मैं तो ऐसे लिखा था kp इक्वल टू जो वेब, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे 0.2. अरे आप x कैलकुलेट करो ना पहले PV इक्वल टू NRT लगा के, बाकी चीजें बाद में कर लेना. अच्छा यहाँ पे कहाँ पे लगेगा सर, मैं कंफ्यूज हो गई. प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 1.16 है. हाँ वॉल्यूम 10 लीटर है. KP इज 1.16. अरे आगे दिमाग लगाओ ना, KP क्या है? PCO2 के बराबर ही तो है. ओके वॉल्यूम 10 लीटर है, मल्टीप्लाई कर लो, पी इंटू वी हो गया 11.6 इज इक्वल टू एक्स मोल्स बनेंगे CO2 के, एक्स मल्टीप्लाइड बाई 0.082 इंटू 1073. ओके राइट. बस तो x की वैल्यू आ जाएगी कुछ 0.13 के आसपास. हाँ अभी आपकी x आ चुका है
0.2 माइनस एक्स कैल्शियम कार्बोनेट रिमेनिंग है, तो कह रहा है कितना परसेंट बचा हुआ है, तो जितना बचा हुआ है डिवाइडेड बाय टोटल इनिशियल मल्टीप्लाइड बाय 100। हां ठीक है राइट, 0.2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 0.2 इनटू 100, मतलब 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 0.2 इनटू 100 आ गया आंसर। हां ठीक है, हां 28th करो। जब हम टोटल मोल निकाल रहे होंगे तो NaHCO3 और Na2CO3 का भी काउंट होगा है ना, टोटल का जब हम टोटल मोल निकाल रहे होंगे तो NaHCO3 और Na2CO3 के मोल की। हाँ मोल्स कहाँ से आ गए इसमें? जब केपी है। हाँ मोल फ्रैक्शन के लिए तो चाहिए होंगे ना। अरे क्यों चाहिए होंगे, CO2 और H2O के x और x मोल्स बनेंगे, जब दोनों के इक्वल मोल बन रहे हैं तो दोनों का इक्वल प्रेशर होगा, तो p और p अगर दोनों का प्रेशर है तो टोटल 2p इज इक्वल टू 1.04 kp बराबर p स्क्वायर। हां वो तो लिखा kp बराबर p स्क्वायर। अरे तो kp p स्क्वायर तो 2p बराबर 1.04 है ना, p प्लस p इक्वल मोल है तो इक्वल प्रेशर होगा ना, वॉल्यूम टेम्परेचर तो फिक्स्ड है ना। हाँ हो गया ना। ओके ठीक है आगे करो क्वेश्चन नंबर 29। तो कितना और करना है? हाँ जी कितना और करना है?
कितने और करना है? नहीं अभी तो 2 मिनट बचे हैं, गलत क्वेश्चन था, अभी तो 9:58 पे हैं। हाँ नहीं वो तो ठीक है, मैं पूछ रही हूँ मतलब। ठीक है 29 तक ही कर लेंगे, क्योंकि उससे ज्यादा अगर करेंगे फिर आप रिवाइज करके नहीं आ पाओगे। मेन इम्पोर्टेंट है जितने क्वेश्चन करेंगे वो रिवाइज करके आओ, तो उसके बाद 7-8 क्वेश्चन ही और बचे हैं, बट वो रिविजन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रिवाइज करके नहीं आओगे तो नेक्स्ट टर्न पे फिर कुछ कर नहीं पाएंगे। चलो 29 करो। हाँ सीरियसली बिकॉज मुझे भी लग रहा है मैं थोड़ा थोड़ा भूलने लग गई। किसका रिवीजन? अनमोल ऑफ सॉल्यूशन ऑफ रिवीजन डीवी नंबर 1 2 3 4 4 अप टू क्वेश्चन नंबर 29 पूरा रिवाइज करके आना है। अच्छा पहले तो रिवाइज करोगे तो लेक्चर नोट्स से मतलब लिख के करो रिवीजन या ऐसा कुछ। क्वेश्चन दोबारा सॉल्व कर लिया करो ना, अपने अपने आप हो जाएगा। अगर कुछ नहीं आ रहा है तो भाई पहले लेक्चर नोट्स रिवाइज करो, देख लो उनको यहाँ तक किया हुआ है, सॉल्व एग्जांपल वगैरह पढ़ लो, उसके बाद इसके जो क्वेश्चन है वो रफ में दोबारा सॉल्व कर लो, पता चल जाएगा। आप नहीं हो रहे होंगे तो एक बार वापस से सॉल्यूशन देख लो, क्लास नोट्स उठा कर यही कैसे किया था, अपने आप रिविजन हो जाएगा अपने क्वेश्चन का। राइट करो क्वेश्चन नंबर 29 करो। ग्लूकोज यहाँ पे C6H12O6 हुआ। हाँ है ना, ग्लूकोज यहाँ पे C6H12O6 हुआ ना, बिल्कुल। एक सेकंड ये रिएक्शन बैकवर्ड जा रहा है, जाना ही चाहिए ना, वन एम स्टार्टिंग में ग्लूकोज है तो के वन बाय नहीं के सेम रहता है, नहीं के से फॉरवर्ड के लिए के वो लोग से फॉरवर्ड के लिए रहता है तो के इसका वन बाय के हो जाएगा। भाई 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 10 एक सेकंड √22 का क्या कहते हैं 6 से पहले इक्वेशन तो बताइए कैलकुलेशन करने का। x टू द पावर 6 इक्वल टू 1/6 इनटू 10^22 दोबारा बोलिए 6x टू द पावर 6 इक्वल टू 1/6 इनटू 10^22
10 रेज टू माइनस 22 क्या करती रहती हो? एक सेकंड, 10 रेज टू माइनस 22 क्यों? नीचे हो गया। 1 बाय k की वैल्यू कितनी है तुम्हारे हिसाब से? कैसी मिस्टेक्स होती हैं ये? ओके हाँ, वो नीचे चला जाएगा तो 10 रेज टू माइनस 22 हो जाएगा। बस x कैलकुलेट कर लो, आ जाएगा आंसर 1 बाय x, तो x के बराबर 1 के बराबर है वो, तो 1 बाय बहुत कम है, तभी तो 1 बाय x इज इक्वल टू 1 है ना। ठीक है, x कैलकुलेट कर लो, आ जाएगा आंसर। ठीक है, वेडनेसडे को 5 o'clock मिलेंगे हम लोग, और या आप डीपीपी नंबर 1 से लेके 4 तक, पहले लेक्चर नोट्स, फिर डीपीपी नंबर 1 से 4, डीपीपी नंबर 4 में 29 तक ही करना है, ये पूरा रिवाइज करके आओगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है।